बढ़ती गर्मी और मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत संकुसाई रोड नंबर 1 स्थित रामनगर में शनिवार को भाजपा नेता नीरज सिंह के द्वारा करीब 150 जरूरतमंद लोगों के बीच छाता का वितरण किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर मंडल भाजपा अध्यक्ष विनोद राय भी मौजूद रहे। नीरज सिंह ने बताया कि गर्मी और बरसात को देखते हुए छाता का वितरण किया जा रहा है। भाजपा लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच प्रचंड गर्मी को देखते हुए टैंकर द्वारा जलापूर्ति कराई जा रही है। इसके अलावा समय समय पर अन्य जरूरी सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा। छाता की संख्या लगभग 150 के आसपास है। आगे भी और भी इस तरह के कार्यक्रम किया जाएगा जो जनता का सीधे काम आ सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में पानी की, क्योंकि आप जानते हैं कि इस रामनगर में पानी की व्यवस्था बहुत ही लचर व्यवस्था है। सरकार द्वारा गर्मी के दिनों में काफी परेशानी हो रही है। इसको देखते हुए हमारे मानगो मंडल के तत्वावधान में एक टैंकर चलाया जा रहा है पानी के लिए, जो कि हमारे तेज तरार युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुशील पांडे जी उसको संचालित कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा काम है और अगर जरूरत पड़ा तो इस तरह के और भी टैंकर हम लोग इस क्षेत्र में बढ़ाएंगे और जनता के लिए जनता को सुविधा मुहैया कराएंगे। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।